मैं पुणे से रहने वाली हूँ, मेरे हस्बैंड बॉम्बे से हैं, हमारी लव मैरिज हो गई है। हमारे हस्बैंड ने हमारे से शादी की, हम ससुराल की मर्ज़ी से आए अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर। आज ससुराल वालों ने मेरे को और मेरे बच्चों को इस कदर परेशान कर दिया है ना कि हम कुछ खुद को जीने से भी तक नफरत हो गई है। मेरे हस्बैंड जिन्होंने मुझसे लव मैरिज की थी, उन्होंने शादी के कुछ महीने के बाद ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, एक बियर बार वाली के साथ में अफेयर किया, उसके बाद भी हमने उनको बर्दाश्त किया और मेरे मिसकैरेज भी उन्होंने करवाए। मैंने इस टाइम पे ये नहीं सोची थी कि मेरे हस्बैंड का इरादा क्या था, मैं तो अपने फैमिली बनाना चाहती थी, अपने बच्चों को लेकर, शोहर को लेकर। लेकिन मेरे हस्बैंड का जो बाहर का जो शौक था उसमें सपोर्ट एक तरफ से मेरे ससुराल वाले भी करते थे, जिस तरीके से मेरे ससुराल में तीन मर्द हैं, तीनों भी एक रुपया कमाते नहीं हैं, सब घर बैठे भाड़ा प्रॉपर्टी का खाते हैं और उन लोगों को किसी को कमाने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पैसा बहुत आता है घर में, कमाते हैं। लेकिन जब आज मेरे शौहर जो खुद मेरे को बेचना चाहते थे, क्योंकि उनको पैसों की कमी आ गई है, इस वजह से वो मेरे को बार बार बोलते थे जा अपने आप को बेच दे करके। फिर मैं जब मानी नहीं तो मेरे खुद के बच्चों को उन्होंने भूखा रखे, मेरे अकाउंट में जो भी पैसा था, घर का जो भी सोना था, उन लोगों ने सब खा गए। मैं भी भरोसा करी ये सोच के कि मुझे रहना तो इन लोगों के साथ में ही है, लेकिन उन लोगों ने अपना रंग दिखा दिया मेरे बच्चों को। जब उन लोगों ने भूखा रखे तो उस टाइम पे मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया और मुझे मेरे जेठ भी आके यही कहते थे, जब तेरे बच्चे भूखे तो हम लोग क्या करें, जाओ पटरी के नीचे आके मर जाओ, जहर खा के मर जाओ, हमारे पास तो नहीं है कुछ भी देने के लिए, जो तुम्हारा शौहर है उसका कहना मानो। ऐसे हम मेरे को बोलने लग गए, लेकिन मैं उनकी बातों में नहीं आई, यहाँ तक कि मेरे शौहर ने मेरे से पीछा छुड़ाने के लिए मेरे को तलाक का भी मतलब चिल्ला चिल्ला के रोड पे भी खड़े रहेंगे तो बोलेंगे मैंने छोड़ दिया उसको, ये मेरी रकेल है, ले जाओ, किसी को ले जाना है तो सेल करते थे बीच रोड पे अपनी औरत को। और मेरे बच्चे पीछे पीछे भागते थे कि डैडी स्कूल की फ़ीस भरनी है, तो बच्चों को इस तरह से झिड़की दे, ए चल जा अपनी माँ के पास। वो बच्चा डर जाता था दोबारा अपने डैडी के सामने जाने के लिए, लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती ये बोलती थी नहीं बेटा तेरे डैडी है, तू जा उनसे मांग करके। वो भी उस तरीके से भी अगर मैं मांगती तो मेरे को बोलते जान अपने आप को बेचना, अभी भी तो जवान है, इस तरीके से लैंग्वेज बोलते कि मैं बता भी नहीं सकती। आज मेरे बच्चे भूखे, मेरी सास मेरे साथ में रहने के बाद भी मेरी सास के पास पैसे रहते थे, दूसरों के घर में जाके उन लोग खा पी कर आते थे घर में, और मेरे बच्चे मेरी सास बेफर खा रही है, मेरी बमेज बच्ची ऐसी देख रही है दादी की तरफ, तो मैं किचन की तरफ देख रही कि ये टीवी का कार्टून छोड़ के दादी को क्यों देख रही है, तो दादी बेफर खा रहे। तो मैंने अपनी बच्ची के गाल पे हाथ घुमाते हुए बोली बेटा रहने दे मैं लेकर आऊँगी, अभी डैडी आएंगे ना तो मैं उनको बोलती हूँ वो तुम्हारे लिए लेकर आएंगे, ऐसा बोले। लेकिन दादी ने उस टाइम तक बेफर दिए नहीं है। आज मेरी सास मुझ पर इल्ज़ाम लगा के उस घर से निकल गई है बोल के कि मैंने उनको मारी पीटी, और आज मैं उन लोगों के सामने बोल रही आज भी बोलती हूँ मेरे शोहर को कि यारी बच्चे भूखे मेरे को कुछ मत बोल, बोले तेरे बच्चे हैं तू देख के ले। हद तक कि उन्होंने ये भी बोले थे कि ये बच्चे मेरे भी नहीं है, इस कदर गिर गए ले। आज तो मेरे साथ कुछ हुआ तो आपने किसी के पास जाके पुलिस की मदद ली है? ये हाथ में चोट आया हुआ किस बात का? मेरे हस्बैंड ऐसा तो हमारे कान में भी बहुत तकलीफ है, हमारे हस्बैंड जब उनको मारते थे ना तो पता नहीं ऐसा सर्कल हो जाता था पूरा काला, जबकि आँख पे नहीं मारते थे मुँह पे मारते थे, और जो ये हाथ है वो ऐसा मारते वक्त ऐसा खींच खींच के मारते थे ना, तो यहाँ से कभी दर्द होता है तो कभी यहाँ से कलाई से दर्द होता है, तो ये अभी थोड़ी सी चमक आ गई है इसलिए इसको बैंडेज लगा दिया हमने। यहाँ तक कि मेरे जब जेठ ने मेरे को पहली बार मारे थे मेरे मुँह पे, मेरे हस्बैंड के और मेरे झगड़े चल रहे थे मेरी जेठानी को लेकर, झगड़े में नहीं सब ऐसी ऊँची आवाज़ में दोनों बात कर रहे थे, तो मेरे जेठ ने आके मेरे को ज़ोर से मार दिया, मारे ना तो वो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैंने बोली नहीं मुझे तो अब जीना ही नहीं है, इतना सब हो रहा है मेरे साथ, शादी मेरा पहला बच्चा 6 महीने का था तो मैंने अपनी नस काट दी थी, मुझे नहीं जीना इसलिए। लेकिन उन लोगों ने उस टाइम पे डॉक्टर को नहीं बुलाया, मेरा इतना बड़ा कट गया था अंदर से सफ़ेद गोश्त खून नज़र आ रहा था, उसके ऊपर मक्की आके बैठ रही थी, लेकिन इन लोगों ने डॉक्टर को नहीं बुलाया, घर के चार दीवारी में ही मलम पट्टी ऐसी करते चले गए। तो आपके लिए फैमिली से कोई मदद के लिए कोई आपने किसी को कुछ बताया नहीं इस बारे में? मेरी खुद की बहन उस घर में है, बड़ी जेठानी है, लेकिन वो खुद इस हाल में ना उसके हस्बैंड खुद हैंडीकैप है, तो वो बोलती है कि मैं खुद अपाहिज हूँ, क्योंकि वो उसकी ज़रूरतें भी उसके शौहर पूरी भी नहीं करते पूरी तरह से, वो खुद अपनी माँ के घर से ही थोड़ा बहुत अपना पूरा करते हैं, सिर्फ अल्लाह को बोलती है मुँह दिखाने के लिए मैं अपने शौहर की खिदमत कर रही हूँ, जबकि इतना हैंडीकैप है वो उठ नहीं पाते चल नहीं पाते। और जो भी है मेरे दो नंबर वाले जेठ है आसिफ, उनके हाथ में है सब कुछ, वो चाहे किसी को दे सकते नहीं भी दे सकते, जबकि वो अपने ससुराल का खर्चा पूरा उठा रहे, लेकिन आज हम हकदार हो के हम भूखे रहकर यहाँ से वहाँ से लेके गुजारा कर रहे हैं।
तुम्हारी सगी बड़ी बहन जेठानी है? सगी बड़ी बहन मेरी जेठानी है। तो वो भी तुम्हारी मदद नहीं कर रही है? उसकी भी कंडीशन बहुत ख़राब है, वो खुद दबके रहती है उन लोगों से। मेरे को तो ये तब बोली थी कि तूने केस वेस नहीं करना चाहिए था, तूने लोग से ऐसा करी, अभी लोग तेरे को छोड़ेंगे नहीं करके। वो खुद उन लोगों से डरती है। तो मैं तो एक ही बात बोलती हूँ कि मैं अपने बच्चों के और अपने सर पे कफन बांध के लड़ रही हूँ, क्योंकि जीने का एक जो प्यार था, जो शौहर था, सब कुछ था, उसने ही मेरे को बीच रास्ते पे घर वालों के सामने जलील कर दिया। तो फिर ऐसा लगा ना कि अब लड़े या तो मरे। तो अभी आपकी उम्मीद किससे? मेरे अल्लाह से और शबनम मैम से। जब भी मिलती हूँ ना, मुझे सच में बहुत सुकून मिलता है। फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैम ने इस तरीके से मेरे सर पे हाथ रखे थे, जबकि मैं सब तरफ से घूम के आई थी, बांद्रा और वीटी स्टेशन की तरफ भी एक है हेल्थ केयर फाउंडेशन, उधर से भी आई, लेकिन उधर ऐसी कोई तसल्ली नहीं दिए थे। सबने एक ही बोले थे, आप जब कोर्ट में गए हो तो वही संभालेंगे। लेकिन जब मैम के पास आई थी फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखे थे, तो मुझे सच में ऐसा लगा था कि अब तो सब कुछ मेरे बच्चों के ऊपर से, मेरे ऊपर से जो भी मुसीबत है ना, सबसे हम अभी निजात पाएंगे इंशाल्लाह। बोलो सिमरन जी, आप कुछ काफी प्रॉब्लम है महिला के ऊपर, किस तरह से इनके बिगड़े हुए पति को सुधारेंगे? सब सबको सालों को पट्टे पट्टे से मारना चाहिए, सबको ढूंढ ढूंढ के निकालने का, सबको पट्टे पट्टे से मारने का, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, सबको ढूंढ ढूंढ के निकालो और सबको मारो सालों को, है ना? सबको मारेंगे, सबको मार मार के सुधारने का। एक तरफ से अगर औरत की गलती होती तो ठीक है, लेकिन तुम दो मासूम बच्चों को भूखा रख रहे। 3 दिन मेरा, 3 साल, ढाई तीन साल की बच्ची मेरी 3 दिन पूरा भूखा दी, मेरे दिल पे क्या बीती थी उस मुझे याद है, तुमने बताया था मुझे कि वो मैं खाने से बात लगा था। अगर इसमें से हम दोनों में से एक को भी हो जाएगा ना, तो तीनों मर जाएंगे, क्योंकि हम तीनों एक दूसरे के लिए थे। मैं दिन में अपने बच्चों के सामने रो नहीं पाती थी, रात में रोती थी, दिन में रो तो मेरी आंखों से आंसू थे कि मेरे बच्चे मुझे बार बार बोलते थे। सरिन जी, क्या किया जाए इस तरह के इंसानों के साथ? क्या किया जाए, पहले तो इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की जाए, जस्टिस के लिए इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की जाए, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए सारे के सारे सेल्स पे, टू कमिश्नर्स, टू क्राइम सेल्स, जस्टिस फॉर लेडीज, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। मर्दों के शौकीन मिजाज, इनके ऊपर रोक लगाई जाए। अगर मर्द इतने ज़्यादा शौकीन है, अगर खुद के शौकीन होने पर उनको इतना नाज है, तो उनको अपनी बीवियों को भी शौकीन होने दें। अगर वो खुद के शौकीन होने पे अगर इंडिपेंडेंसी रखते हैं, तो बीवियों को भी होने दें। अगर होने देते हैं और नाज रखते हैं बीवियों के शौकीन होने पे, पैरलर लगते हैं, तो फिर जस्टिस ओके है। ट्रिपल तलाक बिल जो मुझे लगता है मोदी गवर्नमेंट ने जो पास किया है, वो 101% ठीक है, मैं उसको समर्थन देती हूँ। आपको लगता है कि वो पहले और आ जाना चाहिए था ऐसे इस प्रकार के बिल? 101% पहले आ जाना चाहिए था, मैं पूरा समर्थन देती हूँ उसको। तो कुछ सामाजिक तत्व है जो उसका विरोध भी कर रहे हैं कि नहीं, ये लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में पास नहीं होना चाहिए? ये खुद सेल्फिश लोग हैं, उनको खुद को बोलते हैं ना, पर्सनल लेवल पे वो खुद उस बिल के खिलाफ इसलिए हैं कि उनको खुद को 2-4-5 शादियां करनी हैं, और वो खुद सेल्फिश तरीके से अय्याश हैं, सेल्फिश तरीके से खुद कमीने हैं, कुत्ते हैं, तो वो इसलिए जो हैं वो इस बिल के खिलाफ जा रहे हैं। अगर वो खुद देखें कि उनकी बेटियों के ऊपर अगर ये चीज़ हो रही हो, तो वो समझेंगे कि ये बिल कितना सही और कितना गलत है। मैं मोदी गवर्नमेंट के तरफ से नहीं बोल रही हूँ, मैं इस बिल के समर्थन पे बोल रही हूँ कि एक औरत होने के हिसाब से वो बिल 101% सही है, कि
अगर वो बिल देखा जाए कि ट्रिपल तलाक का बिल जो है वो 101% सही है कि किसी भी औरत के ऊपर अगर वो तरीका, अभी जैसे हमने ये अनीता चावला का केस देखा जो आयशा शेख हैं बेचारी, अभी वो बच्चों के साथ में जिस प्रकार से हुआ है कि वो बच्चे कौन सी कास्ट को फॉलो करें, कि वो 4 साल पहले वो कौन सी कास्ट फॉलो कर रहे थे, 4 साल बाद अब वो कौन सी कास्ट फॉलो कर रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन कितना डिफ़िकल्ट है उन बच्चों के लिए, वो अच्छा अभी वो एक्सपेंडिचर उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट है वो देखेंगे आप। तो वो जो ट्रिपल तलाक एक ही पेज पे लिख के भेज दिया, उनके बाप का राज चल रहा है अनवर का, हाँ तो देखा जाए तो उनका तलाक अभी हुआ ही नहीं है एज पर द लॉ। तो लॉ ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, ये बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था, और जो इसको अपोज कर रहे हैं ना तो ये तो पक्के छिचोरे कमीने कुत्ते लोग हैं, इनको तो है ना चप्पल है ना चप्पल, इनको चप्पल है ना ऐसा, इनको गू में डुबा के मुंह पे मारना चाहिए। और मैं तो बोलती हूँ उनका लिस्ट बना के दो मेरे को, मैं पर्सनली जाके मार के आऊंगी। मैडम ऐसे 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 समय पे जब बच्चों को खास करके पिता की जरूरत होती है, माँ बाप की जरूरत होती है, कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनको पढ़ाई लिखाई और इस तरीके के तमाम सारी चीजों की जरूरत होती है, ऐसे ही समय पर जो लोग छोड़ देते हैं या तलाक देते हैं जो भी समस्या, तो ये इस सारी समस्याओं से कैसे निकल पाते होंगे ऐसे लोग, क्या कुछ आपके साथ हुआ है ऐसे लोगों के, कुछ शेयर करना चाहेंगे? बताती हूँ मैं आपको। पहली बात तो देखिए, ये हेल्प केयर फाउंडेशन, ये एनजीओ मैंने क्यों खोला, डोमेस्टिक वॉयलेंस के ऊपर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रखी है, ठीक है। पहली बात तो हेल्प केयर फाउंडेशन मैंने खोला क्यों, क्योंकि डोमेस्टिक वॉयलेंस के शिकार मैं खुद हूँ, मेरे ऊपर आप बीती थी तब, मैंने 2005 में जब मेरा सेपरेशन हुआ था उस वजह से 2005 से मैंने ये मुहिम शुरू किया था, तो मैं खुद जानती हूँ कि कैसे होता है डोमेस्टिक वॉयलेंस, तो ये मेरे ऊपर आप बीती है। दूसरी बात, डोमेस्टिक वॉयलेंस में मर्द इंतज़ार नहीं करते, मेरे मियाँ ने शादी कर ली, 2 बच्चे और पैदा कर लिए, ठीक है। अब बात रही हस्बैंड्स की, वो इंतज़ार बिल्कुल नहीं करते किसी भी चीज़ का। अब जैसे कि ये बात रही ट्रिपल तलाक की, ये बिल की बात रही, तो ये एक आदमी की बात करो कि हमारे मुस्लिम शरिया की बात करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट तो फिर भी ठीक है कि एक आदमी एक ही शादी कर सकता है, बाहर अफेयर करता है पकड़ा जाता है एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर पे 495-497 के एक्ट पे, उसके ऊपर कानून लागू होता है, उसको उसके ऊपर सज़ा लागू होती है, लेकिन मुस्लिम्स तो फिर भी 4 शादी कर लेते हैं, हाँ मुस्लिम 4 शादी कर लेते हैं, लेकिन कोर्ट की मान्यता क्या होती है कि पहली ही बीवी को मान्यता दी जाती है, और कोर्ट में बाकायदा पहली बीवी से पूछा जाता है, जज पूछती है पूछता है कि पहली बीवी से कि क्या आपको पता है कि ये दूसरी तीसरी या चौथी आपके पति ने की है और आप को ये रजामंदी है, अगर बीवी हाँ बोलती है तो ठीक है, बीवी ने ना बोला तो पति को सज़ा लागू है। अगर नहीं पता हो लोगों को तो मैं ये बात का डिक्लेरेशन दूँ और बता दूँ कि ये चीज़ ऐसी है, और अगर पति के बारे में जैसे कि ये मोहतरमा ने बताया कि मेरा पति रेड लाइट एरिया में जाता है, तो ये अगर इस तरीके का स्टेटमेंट बीवी ने कोर्ट में खड़े होकर दिया तो पति को सज़ा लागू है, 101% पति को सज़ा लागू है। तो ये जो पति कमीने पति अय्याश किस्म के लोग होते हैं तो इनको 101% सज़ा लगती है, लेकिन ये जो पुलिस स्टेशन मैनेज करके चलते हैं, कुछ कर्मचारी जो अपनी वर्दी का गलत किस्म से इस्तेमाल करते हैं, इन्हें सज़ा दिलाने के लिए वरिष्ठ कर्मचारी हैं वहाँ पर, इनके नाम पे कंप्लेन देनी चाहिए और इनको सजा दिलानी चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और जो जो सही चीज़ों के खिलाफ खड़े होकर आवाज़ उठाते हैं, ये बिल गलत है, ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, तो उन लोगों के लिए आप हमारे जैसे लोगों को संपर्क करें, हमारी चप्पलें रेडी रहती हैं महिलाओं के साथ दे धड़ाके से मारने के लिए। शबनम जी, ये भी देखा जा रहा है कि इनकी सास
भी जो मिली भगत हो जाती है, महिला हो गई वो भी करती है हाँ। परेशान, तो उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? अब देखिए बेटा, ऐसा है पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती ना। अब जो सास कैरेक्टर होती है ना, वो तो उस जो सास बन जाती तो पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। वो ये समझती है कि हमारी सासों ने जो किया था तो हम सासों ने ये किया था तो हम भी यही करेंगी। वो नेगेटिविटी में आ जाती है। वो ये भूल जाती है कि उनको भी मर के जाना है, उनको भी मर के जाना है, उनको भी कब्र में जाना है, उनको भी अभी क्या कहें ये उनकी सास उनको हाँ। तो आपसे कोई तलाक इलाक मांगा गया है क्या? व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस रखते थे, तलाक 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 तीन तलाक ये आपको व्हाट्सएप पे स्टेटस पे बोलो लो ताकि मैं सबको दिखाऊं, जितने भी लोग उनके है कनेक्ट उन सबको दिखाऊं के तलाक लो, तलाक अस्तगफार ये तो अनोखा तलाक था। व्हाट्सएप के स्टेटस पे तलाक रखा गया बीच रोड पे, तुम्हारा मियां मिल जाएगा ना तो बाखुदा उसको तो मैं इतना मारूंगी ना, इतना मारूंगी। मैं जिधर रहती हूँ उधर उनका बचपन गया है, मुझे कोर्ट से ही रहने सही मेरे इतना मारेंगे ना इसके मियां को। परसों जाना ही है हाँ, परसों जाना ही है, रेस्टोरेंट निकल गए हाँ, कल एप्लीकेशन दिया था। थैंक यू धन्यवाद। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।